नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार 24/7 और मैं आपके साथ अनु चौहान। दिल्ली के मदनपुर खादक गांव के जसवंत सिंह ने अपने निवास पर बीती 25 जून को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आपको बता दें कि जसवंत सिंह एक जाटर समाज से हैं और इन्होंने बिग बॉस 12 के लिए नॉमिनेशन किया है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि जसवंत सिंह ने मॉडलिंग में भी अपना हाथ आजमा चुके हैं। जसवंत सिंह को देश विदेश से भी काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है। सभी को जय भीम, जय वाल्मीकि, राम राम, सत श्री अकाल और आदाब। मैं जसवंत सिंह, मदनपुर खादक का रहने वाला। मैं एक फार्मा कंपनी, मेरी अपनी एक कंपनी है, मैं वो चलाता हूँ और मैं मॉडलिंग भी करता हूँ, जिसमें अभी स्टार ऑफ इंडिया में अभी हाल ही में मैं सेकंड रनअप रहा हूँ और अभी मैंने बिग बॉस के फॉर्म भरे हैं ऑडिशन के लिए, अभी उसके सिलेक्शन के लिए तैयारी कर रहा हूँ। मैंने जो अभी स्टार ऑफ इंडिया का सेकंड रनअप रहा हूँ तो मुझे कुछ मेरे फ्रेंड लोगों ने, मेरे पड़ोसियों, मेरे सभी गांव के लोगों ने बोला कि एक बार ट्राई करके देखो, क्या पता अगर बिग बॉस में आपका सिलेक्शन हो जाए तो। हाँ जी, मेरी जोड़ीदार है दार्जिलिंग से है, मेरी एक फ्रेंड है सरिजना कार की, वो मेरी फ्रेंड हैं, बहुत अच्छी फ्रेंड हैं, तो हम दोनों साथ में ही जा रहे हैं, गुड फ्रेंड है। एक्चुअली वो भी दार्जिलिंग में हैं, अभी आई थी वो एक वीडियो शूट करके मेरे साथ, तब वो अपने दार्जिलिंग वापस गई हैं, अभी हाल ही में 2-4 दिन पहले ही वापस गई हैं। स्टार ऑफ इंडिया का मैंने, सर जैसे मैं एक आम लड़का था जब मैं पहली बार स्टार ऑफ इंडिया के सिलेक्शन में गया और सिलेक्ट हुआ और तब मैंने शो किया। शो करने के दौरान मैंने ये देखा कि ज़्यादातर तो लोग नर्वस होते हैं, सोचते हैं कि हम आगे जाएंगे या नहीं जाएंगे, बट लेकिन मैंने ये सोचा कि जाऊंगा तो ठीक, नहीं जाऊंगा तो ठीक, पर मैं आगे गया, मैंने देखा आगे मैं जब वहाँ पे शो में था तो मुझे थोड़ी घबराहट थी, थोड़ी हिचक थी और थोड़ा अजीब सा लगता है कि हम शायद आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे, इसमें हमारी इंसल्ट हो जाएगी आगे अगर हम कुछ नहीं बन पाए तो। पर लेकिन जब मेरा सेकंड रनअप पे नाम बुला तो मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ और मुझे ऐसा लगा कि हाँ, कि मुझे और आगे बढ़ना चाहिए, तभी मैंने बिग बॉस की तैयारी की। जिस तरह से अभी आपने बोला कि पहले आप एक आम लड़के थे, अब आप अंगूर बन गए, कोई बात नहीं, कहाँ कहाँ तक की सपोर्ट आपको मिल रही है अभी? सर मैं बताना चाहता हूँ कि मुझे अपने इंडिया से नहीं, इंडिया से बाहर से भी मुझे सपोर्ट मिल रही है, लंदन से, क्वेस से और यूएसए से, सभी जगह से मेरे को सपोर्ट मिल रही है और मुझे बहुत प्यार और प्रेम दे रहे हैं सभी लोग मुझे, उस चीज़ के लिए मैं सभी भाइयों को, सबको, पूरे समाज को धन्यवाद कहता हूँ। मैं किसी की कॉपी नहीं करना चाहता, मैं जो हूँ वो दिखाऊंगा, मैं डुप्लीकेट किसी को कुछ नहीं दिखाता, आज भी मैं जो हूँ वो दिखाऊंगा, क्योंकि कुछ लोग अभी हाल ही में ले लो, कुछ लोग कहते थे कि भाई जाटा समाज कहीं आगे नहीं आएगा, जाटा समाज कुछ नहीं कर पाएगा, लोग दबते थे और लोग शर्म करते थे इस चीज़ को सोचने में, पर लेकिन मैं खुल के कहता हूँ कि हाँ, मैं जाटा हूँ, इस चीज़ को मैं गर्व से कहता हूँ और आगे मैं जाके जीत के भी दिखाऊंगा अपने बलबूते पे, अपना करूंगा सब कुछ, किसी की कोई नकल नहीं करूंगा। बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ, अपने जाटा समाज के, वाल्मीकि समाज के और बाकी सभी समाज के मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, अपने गुजर भाई हैं, राजपूत भाई हैं, अपने शर्मा भाई हैं, सभी भाई मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और मैं इस चीज़ के लिए उनको तहे दिल से धन्यवाद कहता हूँ। सर सबसे पहले तो मैं हिंदुस्तानी हूँ, बट लेकिन कुछ लोगों की सोच है उन्होंने क्या कर रखा है कि जाटों, हमें जातों में बांट रखा है और ये मेरी सोच से बिल्कुल अलग है। मैं किसी को जातवाद को किसी को नहीं मानता और मैं एक इंसान हूँ, सभी इंसान हैं, सभी खाल मास के बने हैं, मैं भी खाल मास का बना हूँ, पर लेकिन लोगों ने जो जातों को बांट रखा है उसी जात से, उन्हीं के उससे मैं एक जात से, जाटो समाज से हूँ और मैं ये मानता हूँ कि मैं जाटो समाज से हूँ और मैं पहले सबसे पहले हिंदुस्तानी हूँ। मेरे सभी फ्रेंडों ने किया, मेरे गांव के सभी लोगों ने किया, जो चाहे उसमें गुजर हो, चौहान हो, राजपूत, कोई भी हो, किसी भी समाज के हो, सब ने मेरे को सपोर्ट किया और मुझे कहा, उत्साह बढ़ाया मेरा कि आप जाके एक बार ट्राई करके देखिए, आपका सिलेक्शन पक्का होगा। सर आपको कोई आइडल बिग बॉस में जाने, जैसे बिग बॉस में पिछले साल
मैंने कभी बिग बॉस को सीरियस लेके वैसे नहीं देखा। कभी बाई चांस टीवी के सामने बैठ गया तो मैंने उसको देख लिया है, अदरवाइज मैं बिग बॉस के बारे में कुछ नहीं जानता। अब नया एक्सपीरियंस लूँगा, नए तरीके से जाऊँगा, अपनी नई सोच लेके जाऊँगा और अपने नए तरीके से जीत के आऊँगा। देखो मैं कोई एक्टर बनने या कुछ बनने नहीं जा रहा, मैं सिर्फ ये दिखाना चाहता हूँ कि मैं भी कुछ हूँ, एक आम लड़का, मैं नहीं कोई भी आम लड़का कुछ भी कर सकता है अगर उसको हौसले बुलंद हैं तो, जैसे आज मैंने दिखाया है, जैसे आज मैंने अपना सब कुछ दिखा के अपना मनोबल दिखा के आगे जा रहा हूँ, ऐसे सभी आगे जाएं, कोई पीछे ना रहे किसी भी चीज़ से, क्योंकि लोग सोचते हैं कि जो सेलिब्रिटी जिनके पास पैसा वही सब कुछ कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके अंदर दम है, आपके अंदर थोड़ा हौसला है और आप अपने आप को मानते हो इस लायक, तो आगे बढ़ें और मुझसे भी आगे बढ़ के आप बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे कि अभी आपका सिलेक्शन हुआ है, हाँ जी, अगर किसी वजह सिलेक्शन नहीं होता है तो फिर आप क्या करेंगे? अगर मेरा सिलेक्शन नहीं होता है तो मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई इसमें बिग बॉस दोषी है या फिर कोई और दोषी है, वो तो मेरी काबिलियत के ऊपर लिया जाएगा, क्योंकि जो भी बिग बॉस हो जाता है उसकी कोई काबिलियत होती है, उसके अंदर कुछ ना कुछ होता है, कुछ ऐसा प्लस पॉइंट होता है, तो शायद नहीं लिया गया तो उसके लिए मैं किसी को दोषी नहीं ठहरा सकता, इसके लिए तो मैं खुद को ही कुछ कह सकता हूँ कि हाँ भाई। नहीं नहीं मेरे लिए कोई सेलिब्रिटी नहीं है, कोई कॉमन बंदा नहीं है, सब एकदम समान है, क्योंकि मैं ये नहीं सोचता कि भाई वो सेलिब्रिटी है, वो हीरो है और ये आम आदमी, इसके साथ नहीं लगना, उसके साथ लगना है, कल को मेरी पहुंच बनेगी तो मैं उससे आगे बढ़ूंगा उस बंदे के थ्रू, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी आम हूँ, वो भी आम है, वो उनका काम है, वो मेरा काम है, मैं फार्मा हूँ, मेरा काम है, वो उनका काम है। जो मुझसे नीचे के होंगे, जो आम नौकरी करते होंगे, वो सोचते होंगे इस बंदे से बात करो, ऐसा कुछ नहीं है, मेरा ये कोई थिंकिंग नहीं है, मैं नॉर्मल हूँ, एकदम ऐसे ही जाऊँगा। मैं सभी के साथ मिलके रहूँगा और हंसी मजाक सब कुछ, मतलब कि सब कुछ जैसा चलेगा सबको उसको अच्छे से चलाऊँगा, और जो लोग अगर आपस में झगड़ते हैं तो उनको मैं ऐसा नहीं कि किसी एक तरफा वो करूँगा, मैं दोनों को साथ सम्मान मान के दोनों का सलाह करके आपस में मिलाऊँगा और मैं किसी को अलग नहीं होने दूँगा। मैं मानता हूँ अंदर रहते हैं 3 महीने रह के अंदर आदमी चिड़चिड़ा हो जाता है, एक ही घर में रह रह के किसी को खुला जाने की ख्वाहिश होती है तो वो थोड़ा नहीं जा पाता, उस टेंशन में आदमी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण वो लड़ाइयाँ होती हैं, बट लेकिन मैं इस चीज़ को अच्छे से हैंडल करूँगा और मैं जानता हूँ चीज़ों को कैसे हैंडल किया जाता है। देखो वो मेरी पार्टनर सिर्फ ओनली गुड फ्रेंड है, कोई मेरी लवर नहीं है, और मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं ये सब मेरा भी कोई ख्याल नहीं है इस चीज़ के बारे में, बाकी उस टाइम का जब देखा जाएगा। तो, नहीं 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 मैं इस चीज़ को नहीं बदल सकता, मैं एक अच्छे विचार से जाऊँगा और मैं इस चीज़ को लेकर नहीं जाऊँगा कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड बनाने जा रहा हूँ, मैं गर्लफ्रेंड बनाने नहीं जा रहा, मैं अपना, अपने देश का और अपने गाँव का नाम रोशन करने जा रहा हूँ। जनता मेरे को इसलिए सपोर्ट करे ताकि मैं ये लगे कि हाँ भाई एक लड़के को हमने सपोर्ट किया, जैसा आज मुझे सपोर्ट करेंगे, मैं धरती से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी हूँ और मैं आगे जाऊँगा तो उनका मनोबल ये रहेगा, आज ये गया है कल को हम भी जाएंगे, इसको सपोर्ट कर रहे हैं तो हमें भी लोग सपोर्ट करेंगे, तो इसलिए मैं बिग बॉस में जाना चाहता हूँ और लोग मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। हाँ जी मैंने वीडियो बना के डाल दी है, वूट एक ऐप है, उसमें मैंने एप्लीकेशन फॉर्म भर के उस पर अपना वीडियो बना के डाला है। मैं बताना चाहूँगा मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, कोई शो ऑफ नहीं किया, जो मैं नॉर्मल हूँ, मैंने सब कुछ अपने बारे में एक इंट्रोडक्शन दिया है और जो मेरी पार्टनर है सरजिना कार्की, उन्होंने अपना एक इंटरव्यू दिया है और उसके बाद हमने ये दिखाया है कि हमें कितनी सपोर्ट है, कितने सपोर्ट देते हैं, कितने प्यार करते हैं लोग अपने, ये ऐसा नहीं है। देखो वो लोग अपना मानते हैं कि TRP के लिए जिसकी ज़्यादा फ्रेंड फॉलोइंग होती है, जिसको ज़्यादा सपोर्ट होती है उनको सिलेक्ट करते हैं, इसीलिए मैंने ये सब दिखाया है कि बेशक मैं कॉलेज तक नहीं गया, मैं इतना नहीं पढ़ा, फिर भी मुझे नॉर्थ यूनिवर्सिटी के जो चीफ सेक्रेटरी हैं उन्होंने भी मुझे बोला है, आश्वासन दिलाया है और सभी मुझे सपोर्ट दे रहे हैं। बाहर का तो सपोर्ट है ही, आपको फैमिली की तरफ से कैसे सपोर्ट मिल रहा है? फैमिली की सपोर्ट कहते हैं ना कि पहले घर से सपोर्ट होनी चाहिए तभी तो बाहर से मिलेगी, वो सबसे गुड है मेरे लिए, मेरी फैमिली मुझे बहुत सपोर्ट कर रही है, मेरे पापा जी हैं
मिस्टर मदन पाल जी और मेरी मम्मी है निर्मला देवी और मेरा भाई है बहन है सब मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। मेरी फैमिली में मेरे गांव के मेरे मोहल्ले के सभी लोग मुझे बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं। मैं ना तो सिंगल रहूँगा ना ही मैं ग्रुप में रहूँगा, मैं सबसे मिल के रहूँगा क्योंकि मुझे मिल के रहना है। मैं ग्रुप बनाने नहीं जा रहा, मैं खेल खेलने जा रहा हूँ, मैं अपना नाम करने जा रहा हूँ, अपने गांव का नाम करने जा रहा हूँ। मेरा नाम मदन पाल प्रधान जाटव है और मेरा बच्चा मेरा जो बच्चा है जसवंत सिंह जो सीजन 12 के लिए बिग बॉस की तैयारी कर रहा है, इसके लिए समाज के सभी भाइयों ने और सभी जातियों के लोगों ने बड़े अच्छे ढंग से सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी है। पहले तो ये बच्चा ऐसा था कि पढ़ाई करता था, पढ़ाई के समय में ये थोड़ा चंचल भी था, मगर हमसे यही बोलता था कि मैं कुछ करके दिखाऊंगा और तुम्हें नज़र कम आऊँगा। हमें लगा पता नहीं कैसे कह रहा है, मगर आज वो दिन मुझे लग रहा है देखने को मिल रहा है कि मेरा लड़का जसवंत सिंह कुछ बनने जा रहा है और मुझे लगता है कि ये बच्चा कामयाबी पाएगा क्योंकि इसकी सपोर्ट हमारे बहुजन समाज को और सारी जितनी भी जातियां हैं सारे लोग बड़े अच्छे ढंग से सपोर्ट कर रहे हैं पूरे इंडिया लेवल पर और बाहर के विदेश से भी बड़ी अच्छी सपोर्ट हो रही है। मेरे खानदान मेरे परिवार जैसे कि मेरी मिसिज निर्मला देवी और ये मेरे बेटे जसवंत सिंह जो जा रहे हैं सीजन 12 में तैयारी कर रहे हैं और मैं मदन पाल बड़े अच्छे ढंग से परिवार की तरफ से बड़े ढंग से सपोर्ट कर रहे हैं। ये तो इनका अपना काम है, जो भी जिस ढंग से जिस तरीके से ये रहेंगे मैं इनके पीछे बराबर इनकी सपोर्ट में रहूँगा। जहाँ भी इनको नर्वस देखूँगा मैं कोशिश करूँगा, मेरा बेटा है कि जब इतनी हिम्मत रखी हुई है तो उसको तोड़ना नहीं है, उसको क्लियर करना है और कुछ ना कुछ करके देश का नाम ऊँचा करके आना है। जय भीम जय भारत। नमस्कार जी, मुझे बहुत खुशी हो रही है। मेरा बहुजन समाज जाटा समाज मेरा और भी सब भाई मेरे बच्चे को सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरा बच्चा बिग बॉस में जा रहा है। मेरे सारे समाज के भाई सपोर्ट कर रहे हैं, किसी का यह छोटा भाई है, किसी का बड़ा भाई है, किसी का बेटा लगता है, इसे सब सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं उनका हार्दिक दिल से स्वागत करती हूँ और मैं धन्यवाद करती हूँ क्योंकि मेरे बच्चे को उन्होंने यहाँ तक पहुँचा। बेटा जो है माँ का सबसे बड़ा प्यारा बच्चा है, कभी इसने अकेले में बताया कि नहीं माँ मुझे बिग बॉस में जाना कभी ऐसा? नहीं ऐसे नहीं बताया, बस ये बोलता था मम्मी मैं ना एक दिन तुझे नज़र नहीं आऊँगा। तो फिर मैंने कहा तू ऐसे क्यों बोलता है, तो कहा मम्मी तुम देख लेना, बस ये बोलता था। नहीं देखो वो तो जाके पता लगेगा, किसी के कहने पे विश्वास नहीं करना चाहिए। लोग तो पता नहीं क्या क्या कहते हैं, पीएम मोदी जी को गाली देते हैं, ये तो देखा जाएगा ना आगे जाके पता कर सकते हैं। मैं अपने से मैं कुछ नहीं बोल सकता उनके लिए। तो आपको क्या लगता है जहाँ तक मेरा ख्याल है जितना मुझे लोग प्यार दे रहे हैं, मेरे भाई लोग मेरे बहुजन समाज के मेरे सभी समाज के लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हैं और विदेश से भी मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं, तो मुझे पक्का यकीन है कि मैं जीत के आऊँगा। मैं सभी को एक संदेश देना चाहता हूँ कि भाइयों जैसे आज मुझे सपोर्ट कर रहे हैं ऐसे ही सभी समाज के किसी भी व्यक्ति के कोई भी कहीं भी कुछ भी करता है उसको ऐसे ही सपोर्ट करना और ऐसे ही प्यार देना। जय भीम जय वाल्मीकि, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। लास्ट सवाल माँ से भी करूँगा। आंटी देखा जाता है कि बिग बॉस में लोग जाते तो सिंगल आते डबल, आपको क्या लगता है आपका बच्चा डबल होके आएगा सिंगल होके आएगा? ये तो बच्चे की मर्जी के ऊपर बात है भैया। अगर डबल होके आए तो क्या आप एक्सेप्ट? हाँ मैं स्वागत करूंगी, हाँ उसका स्वागत करूंगी। जो डबल होके आएगा तो उसका भी स्वागत करूंगी मैं। आप लोग जैसे कि आप लोग काफी वो है, मतलब कैसे खाते हैं, लेकिन वहाँ पर अगर उनको कोई जैसे कि सेलिब्रिटी मिल गई
अपनी बहू बनाऊंगी उसे और क्या करूंगी, घर में रखूंगी। नहीं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, मैं बिल्कुल अपने उससे बिल्कुल प्रॉपर मजबूत रहता हूँ अपनी बात पे, मैं कभी डबल होके नहीं आऊँगा, ये मेरा वादा है। नहीं, कभी नहीं बनाऊँगा, क्योंकि जो गर्लफ्रेंड होते हैं गर्लफ्रेंड होते हैं, कभी भी ये नहीं होता कि फ्रेंड को, हाँ एक अलग कभी होता है बाई चांस, बट लेकिन मेरे अंदर वो फीलिंग नहीं है ना ही उसके अंदर ऐसा, क्योंकि उसका ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है और वो उससे शादी करने वाली है। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे ज़्यादा अपना अपने आप को शो ऑफ करने की वो नहीं है कि मैं अपने आप को ज़्यादा शो ऑफ करूँ। मैं अगर सलमान खान भाई के साथ पास जाऊँगा तो मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश होऊंगा, क्योंकि मैं शुरू से आज तक सिर्फ सलमान भाई को ही मानता हूँ और दिल से मानता हूँ, मैं उनको देख के इतना खुश होऊंगा कि मैं कोई सीमा नहीं होगी मेरी खुशी की। गुस्सा देखो, जब उनको देख के खुशी महसूस होगी तो उनको गुस्सा भी सहना पड़ेगा ना, वो तो देखेंगे। मैं बिग बॉस में जाना चाहता हूँ और बिग बॉस में जीत के भी आना चाहता हूँ और भाई सलमान खान से भी मिलना चाहता हूँ। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आप देखते रहिए हुंकार 24/7 हर खबर के साथ। धन्यवाद।